आज फलोदी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में 22 आए हैं पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव आए हैं फलोदी शहर में और 13 पॉजिटिव आए हैं ग्रामीण इलाके में। आज 3 व्यक्तियों की कोरोना से हुई है मौत। राजकीय चिकित्सालय फलोदी में कोरोना वार्ड में आज भी 12 मरीज कोरोना संक्रमण से भर्ती हैं। राजकीय चिकित्सालय फलोदी में कोरोना वार्ड में 2 लोगों की कोरोना बीमारी से हुई मौत। एक की मौत जोधपुर ले जाने के दौरान रास्ते में हुई। राजकीय चिकित्सालय फलोदी में कोरोना वार्ड में कुल 12 बेड हैं, जिन पर 12 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। कोरोना के दौरान मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ण व्यवस्था है। राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज, 5 व्यक्ति गिरफ्तार, 3 दुकानें सीज। आज नगरपालिका चौराहे पर फलोदी के आला प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों ने चौराहे पर अभियान के तहत लोगों को समझाइश की तथा काटे चालान। महामारी संक्रमण को देखते हुए आज फलोदी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा नगरपालिका चौराहे से लेकर कचहरी रोड, नई सड़क, पत्थर रोड, रईकाबाग किले के पास, नया बाजार, ज्वार प्याऊ होते हुए जयनारायण व्यास सर्किल तक लगाई गश्त, लोगों को किया जागरूक, अनियमितता बरतने वालों के काटे चालान। राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी गाइडलाइन की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक अनिल क्याल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हल्का क्षेत्र फलोदी में गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर आकम खां, पुलिस अधीक्षक फलोदी दीपक कुमार, उपखंड अधिकारी फलोदी यशपाल आहूजा, वृत्ताधिकारी फलोदी व्रत पारस सोनी, तहसीलदार फलोदी रमजान खां, फलोदी पुलिस थानाधिकारी राकेश ख्यालिया द्वारा कस्बा फलोदी में गश्त की जाकर लोगों को जागरूक व पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हेतु गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान कस्बा फलोदी में मलार रोड पर एक मोबाइल की दुकानदार द्वारा महामारी संक्रमण प्रसार करने व राजस्थान सरकार गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने से जुर्म धारा 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, धारा 5 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, धारा 269 भारतीय दंड संहिता के तहत अदम इदखाल जमानत पर गिरफ्तार किया गया। इमरान पुत्र मोहम्मद फारूक जाति मुसलमान निवासी केशव कुटिया फलोदी, संपत खुड़िया पुत्र नसीम राम खुड़िया निवासी गंगासर बीकानेर, सचिन आसदेव पुत्र अशोक आसदेव निवासी धौलाबाला फलोदी, गोपाल सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी बैंगटी खोड, मनोज पुत्र रमनलाल माली निवासी मालियों का बाद को किया गया गिरफ्तार। गश्त नगर पालिका चौराहे से की गई थी शुरू, वहीं पर भारत मोबाइल की दुकान खुली हुई थी, अंदर ग्राहक ले रहे थे मोबाइल और सामान, जिसे किया गया सीज। पत्थर रोड पर लहरिया हेडरूम के अंदर दुकानें खुली हुई, ग्राहकों को बेच रहे थे सामान, अंदर की 2 दुकानें की गई सीज। रईकाबाग क्षेत्र में के बाद स्कूल के पीछे खुली एक दुकान को किया गया चालान। गश्त के दौरान बिना मास्क वालों के 10 चालान काटे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले पाए गए कुल 6 लोगों के चालान एवं सामाजिक दूरी के कुल 10 चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया। इसी गश्त के साथ रहे फलोदी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार, मैं नगर पालिका कर्मचारी दल के गश्त के दौरान बिना अनुमति की खुली 3 दुकानों को किया गया सीज एवं जुर्माना 3,000 वसूला गया। काटे गए चालान, नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा लोगों को मास्क वितरण किए गए, साथ ही पैम्पलेट भी बांटे गए। बढ़िया।
मतलब जीरा मेथी चोर गिरोह का पर्दाफाश, 24 घंटे में कर दिया चोरी का पर्दाफाश, माल सहित चोरों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल क्याल ने बताया कि पुलिस थाना फलोदी में दिनांक 27/4/2021 को रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जीरा व मेथी ग्रेडिंग फैक्ट्री में जीरा व मेथी के कट्टों की चोरी हुई थी, जिसे पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलोदी जोधपुर ग्रामीण, वृत्ताधिकारी व्रत फलोदी जिला जोधपुर के निर्देश में टीम गठित कर पुलिस थाना फलोदी की टीम ने 28/4/2021 को करण उर्फ कर्णाराम पुत्र गोमदाराम जाति मेघवाल निवासी खींचन व नारायण राम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी दयाकोर को गिरफ्तार किया गया। टीम आले दर्जे के चोर हैं। मुकदमे में चोरी हुआ माल जीरा व मेथी बरामद किया गया। फलोदी शहर के जिनगरों का मोहल्ला वार्ड नंबर 20 के रहवासियों व महिलाओं ने SDM ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। जिनगर मोहल्ला में पिछले 10 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते कल मोहल्ला वासियों ने महिलाओं सहित SDM ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर जताया था अपना रोष। मोहल्ले में पीने के पानी की सप्लाई की नियमित रखी थी मांग। जलदाय विभाग द्वारा मोहल्ले में पाइपलाइन को खोद कर किया गया चेक। पाइपलाइन में किसी प्रकार की नहीं मिली गड़बड़ी, कम दबाव के चलते नहीं हो रही पानी की सप्लाई। जुगल पुरोहित सेवानिवृत्त जलदाय विभाग कर्मचारी की जनसेवा में किया गया कार्य में, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की पानी की पाइपलाइन में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। पुरोहित ने बताया कि मोहल्ले में कम दबाव के चलते पानी की सप्लाई नहीं हो रही है।